जनवरी का अवसर था, क्या संदेश दिया है आपने? 26 जनवरी के अवसर पर मैंने क्षेत्र के समस्त युवाओं से आह्वान किया था, जिसमें गाडावारा के लगभग 500 से अधिक हम युवा एकत्रित हुए और पूरे गाडावारा में एकता का संदेश देते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का संदेश क्या है? तिरंगा यात्रा का संदेश सिंपल है कि सभी युवाओं को अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए, ताकि युवाओं में देशभक्ति जागे और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर सकें। मोदी जी का जो संदेश चल रहा है, खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो हमारे देश की शान है और मोदी जी का जो भी आदेश रहता है, पूरे देशवासी अपने परिवार के सदस्य की तरह उसको पालन करते हैं। आपके द्वारा हमेशा खेल के प्रति भी नए नए कार्यक्रम करवाए गए हैं, इस बार कोई ऐसा कोई कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं? जी, अभी मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, ताकि अपनी जो छुपी हुई प्रतिभा है वो आगे आए। स्कूलों में जाके मैं बोलता हूँ कि जो भी प्रतिभा है और जो भी मेरे तरह से सहयोग रहता है वो प्रदान, क्योंकि खबर निकल के आती है कई जो छात्र हैं विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि जाली चौका में कुछ बड़ा खेल हो यहाँ पर, तो हमेशा आपका ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। जी, पहले भी आपने किए हैं। मैं दौड़, कबड्डी और जो, तो विद्यार्थियों को कुछ ऐसा संदेश दें जिससे उनको कराएंगे आप बड़ा कार्यक्रम? बिल्कुल, कार्यक्रम मैं हमेशा कराता हूँ और अगर मैं नहीं करा पाता तो जो भी टीम रहती है मैं उसका सहयोग कर देता हूँ। और हमेशा मेरा रहता है कि जो प्रतिभा, क्योंकि सभी खिलाड़ियों में अलग अलग प्रतिभा रहती है, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई कबड्डी, कोई बैडमिंटन, तो अलग अलग युवाओं को मैं अलग अलग प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ाऊँ। आखिर समाज सेवा में क्यों भरोसा रखता है? समाज सेवा एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपने आप को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से जो सुख मिलता है वो किसी चीज से नहीं मिलता। विशाल तिरंगा रैली का आयोजन हुआ संपन्न। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर गाडवारा में युवाओं की विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवा भाजपा नेता प्रखर राय शामिल रहे। इस तिरंगा रैली में कई सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल रहे, जो गाजे बाजे के साथ हाथ में तिरंगा लिए हुए पूरे शहर में रैली निकालते हुए नजर आए। जनसेवक प्रखर राय के इस रैली में शामिल होने से यह रैली लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई है। रैली के समापन अवसर पर श्री राय द्वारा भारत माता की आरती उतारी गई। उन्होंने युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हमेशा क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं तथा क्षेत्र की जनता को जब कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मैं उनके साथ पूरी तन्मयता एवं ताकत के साथ खड़ा रहूंगा। आज आप सभी लोगों ने रैली के माध्यम से देश के प्रति जो प्रेम एवं शक्ति का परिचय दिया है वह वास्तविकता में अभूतपूर्व है। ये है नारियां की मध्य प्रदेश।